नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। पब्लिक पन्ना में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक पन्ना में रोजाना हम उन विषयों पर बात करते हैं जिनका सीधा ताल्लुक आपसे होता है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि डीजल से चलने वाली गाड़ियां पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है और अब डीजल की गाड़ियां लेना आपको भी महंगा पड़ सकता है। जी हां, डीजल की गाड़ियां खरीदने पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो सरकार से डीजल इंजन वाली गाड़ियों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की सिफारिश करने वाले हैं। 63वें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि डीजल वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और सरकार चाहती है कि सड़क पर इनकी संख्या कम से कम हो। क्लीन एनर्जी की तरफ मुड़ने का ये एक पहला तरीका है, वरना लोग सुनने के मूड में भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अच्छे रोड बना रहे हैं जिससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है, लेकिन इससे प्रदूषण भी बढ़ा है जिससे लोग खुश नहीं है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नितिन गडकरी ने भले ही मुस्कुराते हुए ये बात कही है, लेकिन उनके बयान से पता चलता है कि सरकार डीजल वाहनों को भारत की सड़कों से पूरी तरह आउट करने को लेकर कितनी गंभीर है। हालांकि नितिन गडकरी ने बाद में खुद ये क्लियर किया है कि उन्होंने डीजल इंजन वाली गाड़ियों पर 10% एक्स्ट्रा GST लगाने की जो बात कही है वो सिर्फ एक प्रपोजल है और सरकार अभी डीजल वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने के ऐसे किसी प्रस्ताव का सिफारिश पर विचार नहीं कर रही है। लेकिन एक बात एकदम क्लियर है, वो ये कि अब सरकार डीजल के इस्तेमाल को कम से कम करना चाहती है। इसीलिए अगर नितिन गडकरी ने वाहन निर्माता कंपनियों को डीजल गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कही है, तो इसके पीछे का मैसेज यही है कि अब भारत में डीजल गाड़ियों के दिन गिने चुने ही बचे हैं। डीजल वाहनों की देश में कितनी हिस्सेदारी है ये भी जान लीजिए। भारत में रिफाइंड ईंधन की खपत का लगभग 2/5 हिस्सा डीजल का है, जिसका 80% परिवहन क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। सियाम की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2013 में डीजल कारों की हिस्सेदारी 58% थी, जो वर्ष 2017 में 40 हो गई। वित्त वर्ष 21 में ये घटकर 17% से भी कम हो गई और वित्त वर्ष 23 में ये 19% से कम है। इसी पर सलाहकार समिति ने क्या सुझाव दिए हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए, सलाहकार समिति ने जो सुझाव दिए हैं उनमें कहा गया है कि वर्ष 2027 तक डीजल से चलने वाली सभी फोर व्हीलर्स की बिक्री बंद कर देनी चाहिए। वर्ष 2024 के बाद डीजल से चलने वाली नई बसों का रजिस्ट्रेशन बंद होना चाहिए। इसके साथ ही गैस से चलने वाले ट्रकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है। साल 2024 में शहरों में सिर्फ उन्हीं डिलीवरी व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन किया जाए जो इलेक्ट्रिकल बेस्ड हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर डीजल गाड़ियों को बंद करके क्या हासिल होगा। दरअसल चीन और अमेरिका के बाद भारत अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। दुनिया का 7-8% कार्बन उत्सर्जन भारत में होता है, लेकिन वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करना चाहता है। वर्ष 2070 तक इसे नेट जीरो तक लाने का टारगेट हासिल करना चाहता है। नितिन गडकरी ने भी क्लियर किया है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा बल्कि वर्ष 2030 तक ऑयल इंपोर्ट पर होने वाला 20 लाख करोड़ रुपए का खर्च भी कम हो जाएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।